नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन था और काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी देखने को मिला। वहीं आपको बता दें कि जब बीजेपी के विधायक के द्वारा सत्ता पक्ष से जब शराबबंदी कानून पर सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क उठे और काफ़ी आग बबूला हो गए। उसके बाद जो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफ़ी नहीं मांगते हैं तो सदन हमें नहीं चलने देगा। अब इन तमाम चीज़ों पर जो बिहार सरकार में जो मंत्री हैं विजय चौधरी, जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो क्या कुछ कर रहे हैं, आप देखिए इस वीडियो में। पहले हमको ये तो बताइए कि वो क्या चाह रहे हैं। आप मीडिया के लोगों ने समझा है कि वो क्या चाहते हैं, हमको बताइए कि वो क्या मांग कर रहे हैं। वो तो पहली मांग होंगी कि सीएम जिस तरह से बिहेवियर किया उससे माफी मांगे। अब ये इसको शराबबंदी से क्या, वो कह रहे शराबबंदी को लेकर सवाल उठे थे। सवाल आपने कहा कि तख्ती बैनर तो शराबबंदी पे थी, लेकिन शराबबंदी पर हम तो आप लोगों को भी कहते हैं कि आप भी जरा उनसे समझ के हमको बताइएगा कि शराबबंदी पर वो लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि ये इसलिए कह रहे हैं कि शराबबंदी सारे दलों की सहमति से लागू हुई थी और उस समय मैं विधानसभा का अध्यक्ष हुआ करता था और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी जिस समय ये कानून बना था। और जब कानून बन रहा था, आप सब इस बात के गवाह हैं कि पूरा सदन न सिर्फ उसमें सहमति प्रकट की थी बल्कि सारे सदस्य खड़े होके तालियां बजा रहे थे जो इतना महत्वपूर्ण कानून बन रहा है। और जो सारे सदस्यों ने मिल के संकल्प लिया था कि हम लोग तो नहीं पिएंगे, दूसरों को भी नहीं पीने के लिए प्रेरित करेंगे। आज दोनों सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि शराब पीने से लोग मर रहे हैं और पूछते हैं कि ये लोग कब तक मरते रहेंगे। सवाल है क्यों मर रहे हैं, ये भी कारण वही बोल रहे हैं। और हम आप ही लोग से समझना चाहते हैं, अगर कोई शराब पीने से मर जाता है तो ये ऐसी मृत्यु कब रुकेगी, ये किसी के समझने की बात है। तो सवाल है कि चाहते क्या है। शराब पीना गंदी बात है तो शराबबंदी है तो शराबबंदी है। विपक्ष के लोग कहते हैं कि सब जगह शराब मिल रही है, बोलते हैं, और सरकार कहती है कि कहाँ मिल रही है उसकी सूचना दीजिए, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, तो कोई सूचना नहीं देते हैं। आपको घटनाएं घटती हैं तो कानून बनने के हिसाब से कार्रवाई होती है। हत्या के खिलाफ कब कानून बना था, हत्याएं रुक गई, क्या मतलब है इसका। अगर शराबबंदी के बावजूद कोई अगर न अपने स्वास्थ्य का ख्याल करता है, न समाज का ख्याल करता है और दारू पीने के लिए प्रवृत्त हो जाता है, और शराब पीने से अगर कोई उसका नुकसान होता है, उसकी मृत्यु होती है, ये तो शराबबंदी कानून का औचित्य बताता है। नहीं, कि शराबबंदी सही माने में होनी, अगर बंदी के बावजूद कहीं शराब बिकती है या लोग पीते तो सरकार इसको गलत मानती है और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। दिन रात आप ही दिखाते हैं कि जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। कहां से, हरियाणा से, पंजाब से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से जो सप्लायर लोग हैं उनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है, उनके प्रदेशों में जाके उनको अरेस्ट करके यहाँ लाया है। तो सरकार इतनी ईमानदारी से कार्रवाई कर रही है और अगर शराबबंदी हमेशा सफल रहती है और जान जा रही है तो आप सबूत दीजिए ना, कहाँ शराब जब हो जा रही है।
इधर देखिए, स्वास्थ्य के लिए जहरीली पोस्टमार्टम में तो पुष्टि हो रही है कि शराब पीने से मौत हो रही है गली तौर पे। जब पोस्टमार्टम होता है अगर बन रहा है, बिक रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी तो हो रही है। आप सफल है या नहीं? आप मुख्यमंत्री फिर विचलित क्यों हो जाते हैं शराब के सवाल पर? मर्डर आपने कम किया ना, तो शराब बंद मर्डर घट किया ना, जितना बंदी शराब शराब जा रही है, शराब पीने वालों के आंकड़े में कमी आई है। आप जब शराब शासन में शराब कितना मर्डर होता, शराब आपके शासन में कितना कम हुआ, शराब पीने वालों के आंकड़े में कमी आई है। और हम वालों की संख्या बढ़ रही है। हम आप लोगों से ही आग्रह करते हैं कि शराब बंदी के लिए जागरूकता, और हम तो कह रहे हैं कि अगर शराब लोग कहते हैं कि जहरीली शराब पीने से मौत हो रही है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि नहीं पीना चाहिए? तो अभी आपने देखा जो बिहार सरकार में मंत्री हैं विजय चौधरी, उन्होंने साफ साफ कहा कि जब शराबबंदी कानून लाया गया तो सभी पार्टी के लोगों के द्वारा, सभी दल के लोगों के द्वारा इसका समर्थन किया गया था। और वहीं उन्होंने भी कहा कि शराबबंदी पर कानून बना है, जो बेचेगा, जो पिएगा और जो बनाएगा, तमाम लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है। और भी क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।